हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अनकेडमी। यानी एक बजे अभी देख रहे थे कुछ बच्चों का कमेंट्स, तो बच्चे कह रहे थे सर दो मिनट लेट हो गया, एक मिनट लेट हो गया। देखो यार, जानबूझकर तो लेट करते नहीं हैं, ये आपको भी पता है। तो ना चाहते हुए भी देर हो जाता है, यानी गाना सुना है ना, यानी जानबूझकर देरी करते नहीं है। जानते ही हो, हीना मूवी का गाना आया था। तो वैसे बच्चे जो रेलवे के लिए परेशान है, बेचैन है, अभी एक वीडियो हुआ था वाईफाई स्टडी पे, देखना उसे। इसलिए कहेंगे देखने के लिए क्योंकि हम लोगों ने RTI डाल दिया रेलवे डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में, कि भैया क्यों एग्जाम नहीं ले रहे हो, बता दो, हमारे बच्चे सारे परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। कि यार क्या पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए, जितना आप परेशान हो तो ना सर कैसे पढ़ें, उतना उससे कहीं ज़्यादा हम परेशान हैं यार कि कैसे सिलेबस को और बेटर तरीके से जो छूट गया है आपका उसे कवर किया जाए। तो देखना जरूर वाईफाई स्टडी पे, लगा था 1:35 शायद 1:25 की वीडियो थी या 1:30 बजे की वीडियो थी, देखना जरूर, मजा आएगा आपके लिए। तो और आज से यानी कल से ही कह दें, रेलवे के लिए कोर्स शुरू हो चुका था। कहाँ पे? तान अकेडमी पे। जल्दी से जाइए और अवेल करिए उसको, आने वाले समय में कई सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। चलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की ओर, जो आप CHSL रेगुलर लगा रहे हो। तो आज जल्दी से समय, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितना जल्दी जवाब उतना सबसे पहले नाम आपका ले लें हम, ठीक है। मैं भी डाल दूं क्या RTI? बिल्कुल डाल सकते हो। देखो ये तो हमारा भाई RTI जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। मैं भी चाहूंगा, क्या करना है, 10 रुपया का IPO लगाना है, इंडियन IPO लगाना है, बस डाल देना है। 30 दिन के अंदर हमें जवाब मिलेगा, 15 से 20 दिन में जवाब आ जाता है। और पता है, मैं सोच रहा हूँ, हमारी टीम पूरी सोच रही है कि अगर ये RTI से जवाब संतुष्ट नहीं हुए तो PIL डालेंगे। भैया बताओ जवाब, एग्जाम ले क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा कि सर कहता है डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू, वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार या प्रकीर्णन की बात करें तो किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, या हीलियम, या जलवाष्प, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। चलो RTI 12 अक्टूबर 2005, रोहित सर GS बाबा रे, यार कौन नाम रखे यार ऐसा बच्चा ने। चलिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1, धूल कण। और जरा सा लिंक को शेयर कर देना ताकि मजा आ जाए। नहीं वैसे बच्चे यार कहाँ, बच्चे कहाँ चले जाते हैं, दोपहर का समय है, खाओ पियो मस्त रहो और पढ़ाई करो, दोनों चीज करते रहो। तो क्या होगा ये, धूल कण के कारण, हमेशा याद रखना, डस्ट पार्टिकल्स के कारण जो वायुमंडल में प्रकाश का जो प्रसार होता है, फैलता है, किसके कारण, धूल कण के कारण। अरे अच्छा आप ऐसे समझिए, जब सूरज की किरणें, छोटा सा विंडो और विंडो में हल्का सा अगर छिद्र होगा तो आप देखेंगे कि हल्का सा धूल कण तैरता हुआ रहता है। तो हम कैसे देखते हैं, प्रकाश का जो प्रसार होता है। क्यों, प्रकाश को मीडियम की आवश्यकता है, प्रकाश को मीडियम की आवश्यकता है आने में। जरा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रकाश किस मीडियम में तेज आता है पृथ्वी पर, प्रकाश किस मीडियम में तेज आता है पृथ्वी पर, ठीक है। समझ में आ गया, मैंने पूछा कि प्रकाश पृथ्वी पर किस मीडियम में तेजी से आता है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहता है सर सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है, आपको पता है जब यह वायुमंडल से गुजरता है तो यह हवा के अणुओं, धूल के कणों और अन्य सूक्ष्म पदार्थों द्वारा बिखरा होता है जो मार्ग में मौजूद होते हैं। नो नीड वैक्यूम, नो नीड, अब बच्चे मतलब समझदार हो गए। ये मतलब पता है, ये चीजें देखकर अच्छा लगता है कि जब मैं क्वेश्चन करता हूं और आप फटाक से जवाब देते हो कि प्रकाश को गमन करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसके जरिए ट्रेवल करता है, तो निर्वात के जरिए, वैक्यूम के जरिए ट्रेवल करता है। यहीं अगर हम साउंड की बात करते तो सॉलिड में क्या होगा, तेज होगा, यानी किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत बढ़िया। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए ये क्वेश्चन मैं शायद करा चुका हूं, आपको याद होगा, अगर आप ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था तो मुझे लगा यार ये साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है वो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं फिर से उठाकर ले आया इसे। तो तंजौर बृहदेश्वर मंदिर कहाँ, तंजौर में है। तंजौर कहाँ, ये तमिलनाडु में है, ये
तमिलनाडु में है। तो भैया किसने बना दिया? आदित्य चोल, करिकाल चोल, या राजेंद्र चोल, या राजराजा चोल? एक चीज और समझिएगा, जो चोल वंश है वो किस राज्य में है? तो वो तमिलनाडु में है, वो तमिलनाडु में है। किसने बनाया? तो राजराजा चोल ने क्या किया, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर को निर्माण किया। अब आपका होमवर्क ये है, होमवर्क क्या है बच्चों, कि बृहदेश्वर मंदिर में किसकी स्टेचू, किसकी मूर्ति है? बृहदेश्वर मंदिर में किसकी मूर्ति है, ये आपके कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए मुझे। चोल वंश की स्थापना किसने की? चोल वंश की स्थापना विजयालय ने कर दी, विजयालय ने की है। और सबसे पावरफुल जो शासक था वो कौन था? राजेंद्र चोल। कौन था? राजेंद्र चोल था। और सबसे बड़ी चीज कि चोल वंश की सबसे बहुत बड़ी विशेषता जो कहते हैं वो क्या था, इनका ग्राम, जो कहते हैं कि ग्राम पंचायत कह दें, ये सबसे मशहूर है। लॉर्ड शिवा विष्णु, लॉर्ड शिवा विष्णु, शर्त लगी है लॉर्ड शिवा और विष्णु की। शिवा याद रखना, शिव जी की मूर्ति किसकी है? ये शिवा की है, ठीक है। शैव वंश को मानते थे ये। CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस क्या होगा? CH4N2 ऑर्गन या O2? हाँ, सर्वेश कुमार ने अच्छे जवाब दिया है कि ये मूर्ति जो है, ये मंदिर जो है वो द्रविडियन स्टाइल में बनाई गई है। तो ये CO2 के अलावा जो ग्रीन हाउस गैस है वो क्या होगा, याद करिए, मैं आपको ट्रिक बराबर देता हूं। किसके जलवे दिखते हैं आजकल? आजकल जलवा दिखता है मीना का। किसका जलवा दिखता है बच्चा? मीना का जलवा दिखता है। अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मीना का जलवा, बिल्कुल क्या करें, मीना का जलवा दिखता है। यानी क्या होगा, मीथेन, CH4 N2O, CO2, जलवाष्प वाटर वेपर, और फिर O3, ये मीना का जलवा हो गया। अगर मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन कहां कहां से निकलता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जिसे हम मार्स गैस कहते हैं, ये कहां निकलता है? सबसे पहले कि कहते सर जो दीमक का बॉम्बी है वहां से निकलता है, दूसरा धान के खेत से निकलता है, तीसरा कीचड़ युक्त स्थान से निकलता है मार्स, समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, खासकर कि मीथेन गैस कहां से निकलता है। इसके अलावा जो जानवर जुगाली करते हैं, जुगाली समझते हो ना, नहीं समझते हो? देखो जो नशा करता है वो अच्छे से जानता है, क्यों, मुंह में भरा हुआ रहता है और मुंह चलाते रहता है। तो जानवर क्या करते हैं कि हम खा लेते हैं, और पागुर कहते हैं उसे, पागुर कहते हैं। तो जो नशा करता है वो अच्छा से चबाते रहता है, वो चलाते रहता है मुंह। तो कहने का मतलब है कि जो जानवर पागुर करता है, जो वो उससे भी खाने के बाद उससे भी वो कौन सा गैस निकलता है, मार्स गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? मार्स गैस निकलता है, ठीक है। अच्छा आज का जो ट्रिक था किसने देखा, ब्लैक मैजिक शो किसने देखा, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। युवराज बहुत बढ़िया। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर ग्रीन हाउस गैसें की बात करें बच्चों, तो वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, CFC है, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डोपिंग या डोपन, मिक्सिंग, अभिरूपण, या डाइल्यूटिंग, तनुता, क्या होगा? MBA नहीं था, BMW था बालक। अवधेश कुमार जी MBA कहां था, आप किसी ट्री देख लिए? चलो आप देख लेना, जब जाओ तभी सवेरा, टाइम क्या है ब्लैक मैजिक का। अंकित राज जी ये तो 5 बजे सुबह आप उठते भी नहीं होंगे हमें लगता है, आप तो कभी भी देख लो। और पता है कल मैंने ब्लैक मैजिक शो बना दिया, ऐसे ब्लैक मैजिक शो जो आपको बिल्कुल मजा आएगा कल, क्यों, क्योंकि हमने जो शेड्यूल है 1 से 12 कैसे याद रखें, हमने कहानी के फॉर्म में बताया, अब कहानी के फॉर्म में नहीं, हमने 12 लेटर 12 शेड्यूल है,
तो 12 शब्दों में जोड़ दिया, कल का देखना जरूर मजा आ जाएगा। चलिए तो क्या होगा ये, डोपिंग इज राइट, डोपिंग इज राइट। जैसा कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कि सेमी कंडक्टर की बात करें तो कौन सा एलिमेंट है जो सेमी कंडक्टर के रूप में यूज किया जाता है, कौन सा एलिमेंट है जिसे हम सेमी कंडक्टर के रूप में यूज करते हैं, कौन सा है जो यूज करते हैं ब्लैक मैजिक के रूप में, ये सेमी कंडक्टर के रूप में। एक सिलिकॉन है, चलो मैं बता रहा हूं सिलिकॉन है, दूसरा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, दूसरा एलिमेंट बताना है। एक सिलिकॉन तो मैंने बता दिया, सिलिकॉन तो बता दिया, दूसरा बताना है आपको क्या होगा। उपयुक्त उस अशुद्धियों के साथ अर्धचालक में डोपिंग इसके विद्युत गुणों को संशोधित करने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन तो बता दिया, जिरकोनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम होगा याद रखना, क्या होगा जर्मेनियम, बहुत बढ़िया। भारूद स्तूप को शुरू में अशोक द्वारा बनाया गया था और बाद में इसे किसके द्वारा सुधारा गया था। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि भारूद स्तूप को किसके द्वारा बनाया गया, अशोक के द्वारा बनाया गया, तो इसमें सुधार किया गया, किसके द्वारा सुधार किया गया आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में जल्दी। ब्लैक मैजिक कितने घंटे का, अच्छा जादू कितने घंटे का होता है जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, जादू ज्यादा देर का होता है क्या, कि जादू छू मंतर कहते हैं, जैसे ही जादूगर आया मुट्ठी खुला गायब। चलिए गैंग ही होता है क्या इसके हिंदी, बिल्कुल सर, सुंग वंश क्यों, ऐसे दिमाग लगा लो बच्चों, मौर्य वंश के बाद कौन सा गद्दी पर बैठा, सुंग वंश गद्दी पर बैठेगा। बृहद्रथ मौर्य की हत्या 185 BC में की जाती है, किसके द्वारा, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। तो पुष्यमित्र सुंग जब बृहद्रथ मौर्य को मारा, पहली बार ब्राह्मण वंश की स्थापना की है, तो जाहिर सी बात है पीएस यानी पुष्यमित्र सुंग ही तो सुधार करेगा इसमें, पुष्यमित्र सुंग ही तो सुधार करेगा, समझ में आ गया, यानी सुंग वंश होगा। तो जोड़ो, कई सारे क्वेश्चन जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर साउंड अंडर वाटर, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोस्कोप, हाइपोमीटर, हाइड्रोफोन। चलिए मेरे यहां शादी है, संजना शर्मा जी आपकी शादी है तो आप देख कैसे रहे हो, मेरे यहां कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी शादी है, चलिए संदीप रॉय, नहीं सर ये आपकी बड़प्पन है, मैं कोशिश करता हूं कि हर वो चीजें जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो मैं पढ़ा दूं ताकि सिलेक्शन हो, और जब भी दिखें दुनिया गोल है कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, क्या पता, तो कम से कम नाम तो लें। नहीं देखो एक चीज समझना, कहा ध्वनि फोन, रिलेट करो ना, ध्वनि फोन की बात कर रहा है, तो पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं, हाइड्रोफोन। अब आपके लिए होमवर्क है, क्या होमवर्क है सर, होमवर्क यही है, हाइग्रोमीटर का यूज, हाइग्रोस्कोप का यूज, हाइपोमीटर का यूज, ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए वीडियो के नीचे, और कमेंट बॉक्स में नहीं करोगे तो माता रानी पाप देगी तुम्हें, पाप लगेगा, पाप पढ़ोगे नहीं तो पाप लगेगा, इसलिए सोच रहे ना आज बुधवार है, आज बुधवार है पाप लगेगा, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में बताना, और ना बता पाओगे तो होमवर्क के रूप में नोट्स बना लेना जरूर, भूलना मत ठीक है। एक हाइड्रोफोन एक माइक्रोफोन की तरह है जिसे पानी के नीचे की आवाज को रिकॉर्ड करने या सुनने के लिए, पानी के नीचे इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो हाइड्रोफोन किसका एग्जाम्पल है, माइक्रोफोन का एग्जाम्पल है, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है बच्चों, तो एक माइक्रोफोन का एग्जाम्पल है। चलिए हाँ मैंने देखा, चलो आगे देखो, मिबोमियन ग्रंथि कहां स्थित है, आंख कान नाक या त्वचा,
अरे हो जाएगी, जॉब तो ले ले, जॉब तो ले ले कम से कम, हो जाएगी। अरे किसने कहा, तो पढ़ो ना, मैं शराब कहाँ देता हूँ, मैं तो केवल मोटिवेट करता हूँ कि ताकि मोटिवेट होकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, नोट्स बनाइए। कमेंट्स बॉक्स में केवल यही कहता हूँ। तो सर मिबोनियन ग्रंथि की बात करेंगे तो ये कहाँ लोकेट होगा, आँख होगा। जरा सा कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कि जो हम सांस लेते हैं वो किसके जरिए सांस लेते हैं। देखो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, जो हम सांस लेते हैं किसके जरिए सांस लेते हैं। पहला नाक के जरिए, दूसरा लंग्स यानी फेफड़ा के जरिए, तीसरा हुड पाइप के जरिए, चौथा ऑल ऑफ दीज। जो सांस लेते हो किसके जरिए लेते हैं, नोज, लंग्स, हुड पाइप, ऑल ऑफ दीज। जो हम सांस लेते हैं वो किसके जरिए सांस लेते हैं, लंग्स, हट से कौन सांस लेता है यार, फेफड़ा, लंग्स फेफड़ा, लंग्स। एक चीज समझना सर, कई लोगों को लगेगा नोज, भाई ये केवल दरवाजा है, ये एक ऐसा दरवाजा है जो ऑक्सीजन जाता है अंदर और एक दरवाजे से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, केवल ये दरवाजा है सांस लेने का। हमारा काम कौन करेगा सांस लेने का, वो करेगा लंग्स, करेगा फेफड़ा, करेगा पंपिंग करता है ना, समझ में आ गया। तो ट्रैकिया नहीं होगा, नाक नहीं होगा, नाक क्या है, केवल वो दरवाजा है। अब बताओ हट बोलते हो यार, किसने कहा हट, फूड पाइप से, फूड पाइप भी क्या है, एक तरह का पाइप है जो भोजन पहुंचता है हमारे पेट में, भोजन हमारे पेट में पहुंचता है, ठीक है। मतलब मिबोमियन ग्रंथि पलकों के रिम पर टार्सल प्लेट के अंदर होते हैं, जो मैबम की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, और एक तैलीय पदार्थ है बच्चों जो आंख के आंसू को, वाष्पीकरण को होने से रोकता है, वाष्पीकरण को होने से रोकता है। अनुलोम विलोम से क्या होता है, तो वही तो कहा दरवाजा है, एक से ऑक्सीजन जाता है, एक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। बिफोर्ट स्केल का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, वायुमंडलीय दबाव, पहाड़ों की तुंगता। यार अब क्या कहें, हमारे एडिटर भी ऐसे ही हैं, पवन वेग या भूकंप की तीव्रता। चलिए बताइए क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बता दो जवाब। अच्छा ये बताओ मेरी क्लास में एंजॉय करते हो ना, बिल्कुल। देखो स्ट्रेस लेकर पढ़ाई करोगे तो चीजें बहुत प्रॉब्लम करेगी स्ट्रेस लेकर पढ़ाई करोगे तो। सर ब्यूफोर्ट स्केल की बात करेंगे तो ये क्या होगा, पवन वेग, कैसे वायुमंडल की वायुमंडलीय दबाव कहोगे भाई, पवन वेग क्या होगा। सर ब्यूफोर्ट स्केल की बात करें तो ये सर एक चीज समझना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर क्या करता है, पहाड़ों की तुंगता या हाइट की बात करें या तो अल्टीमीटर, जहाज की जो हाइट है कितने हाइट पे उड़ रहा है उसका भी मेजरमेंट करते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पे मेजरमेंट किया जाता है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलती करोगे बच्चों तो सिलेक्शन कैसे होगा बताओ। ब्यूफोर्ट स्केल सर एक अनुभवजन्य फीलिंग्स है, उपाय है जो समुद्र या जमीन पर स्थित परिस्थितियों में हवा की गति से संबंधित है, चाहे हम समुद्र या कहें हम सी के सरफेस पे, समुद्र के जल सतह पे हम वहां या फिर जमीन पर मेजरमेंट कर लें। किसके साथ जोड़कर एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है, सोचो, सब प्रीवियस ईयर है इसीलिए कहते हैं कि सफलता लेने के लिए सबसे
जरूरी है प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे एक आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखिए कविता सेठ जी कह रही है लाइक तो कर दो सभी, मतलब मैं तो बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरी बात तो मानोगे नहीं, कम से कम हो सकता है अपने मित्र की बात मान लो। चलिए डेडमैन, क्या नाम रखे हो यार, चलो जल्दी बता दो। सर हाई रेजिस्टेंस ऑन सीरीज, क्या कहा कि एक सीरीज में जोड़ते हैं बच्चों और तब जाकर एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? एक सीरीज में। किसमें करते हैं? एक सीरीज में होता है यह, हमेशा याद रखना, समांतर पर कम प्रतिरोध नहीं। कैसे? कहा एक मीटर को जब हम डीसी वोल्ट मीटर के रूप में चेंज करते हैं, कब करते हैं? जब मीटर क्वाइल के साथ श्रृंखला में सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस को रखते हैं, रेजिस्टेंस को रखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसके पास आपातकाल घोषित करने की शक्ति है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और संसद। और याद रखिएगा रात के 10:30 बजे जो लेक्चर है आपके डीआरडीओ की, आज जो डीआरडीओ पिछले साल ना कहें कि डीआरडीओ प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है उस पेपर कुछ की चर्चा कराएंगे। आज मैंने पढ़ा दिया करंट अफेयर्स ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे करंट अफेयर पूछे जाएंगे। अब एक सप्ताह देखेंगे डीआरडीओ में प्रीवियस ईयर के पेपर, हो सकता आगे फिर मैं कमिंग डेज में कुछ और आपके लिए लेकर आऊं। तो भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। 3 आपातकाल शक्ति 52, 56 और 60। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका 4 को ऐड करते जाओ, 52, 4, 56, 4, 60। 52 से क्या होगा? बाह्य आक्रमण। 56 से क्या होगा? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 60 से क्या होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी राष्ट्रपति के पास 3 पावर हैं, राष्ट्रपति के पास 3 पावर हैं, जिनमें से 360 का अभी तक यूज नहीं हुआ है। 352 का 3 बार यूज किया जा चुका है, 352 का 3 बार यूज किया जा चुका है। तो ये आपका सेशन था, ये 7 स्टेप जो फिर से आपको चैंपियन बना सकता है वाईफाई चैंप टीम के साथ। इसे स्नैपशॉट लीजिए ताकि आपको लगे कि सर जो हम अनअकैडमी पे जो आप पढ़ाते हो, क्लास कराते हो, समझ नहीं आ रहा है तो कैसे होगा। ये 7 स्टेप करिए, वाईफाई चैंप कोड यूज करिए और मौके का फायदा उठाइए। तो आज का लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप पहली बार जुड़े हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियो के साथ तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन जो बेल है घंटा को जरूर दबाएं, यानी मार दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर से नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।